हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारिका टहरियानी, आपकी होस्ट। सर्दी हो रखी है मुझे, ये विंटर्स में रिकॉर्ड करके रखा था मैंने ये केक, जैसा कि आप मेरी आवाज़ से पहचान ही सकते हो, तो आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। और आज मैं एक बहुत अच्छा केक, सिंपल सा केक है वो बना के आपको दिखा रही हूँ। फ्रूट केक है ये मेरा, बहुत ही बेस्ट सेलिंग केक इसको आप बोल सकते हो। फ्रेश फ्रूट केक है, इसमें फ्रेश फ्रूट्स डालती हूँ मैं, 4 से 5 अलग अलग फ्रूट्स डालती हूँ। और क्योंकि अभी स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज का सीज़न है तो ऑब्वियसली उसको तो हम डालेंगे ही फ्रेश फ्रूट में। सिंपल सा केक है, केक के ऊपर मैंने क्रीम लगा करके जो भी फ्रेश फ्रूट्स मेरे क्लाइंट को पसंद आते हैं, मोस्टली मैं 4 फ्रूट्स डालती हूँ, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पाइनएप्पल और एप्पल। और क्योंकि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको ब्लूबेरीज भी चाहिए तो मैंने वो भी डाल दिया है एंड एप्पल हटा दिया है क्योंकि उनको एप्पल नहीं चाहिए था अपने केक में। और वैसे मैं इसमें मिक्स फ्रूट का पल्प भी डालती हूँ, लेकिन इस बार क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स का ही केक चाहिए तो मैंने वही डाला है, नहीं तो आप फ्रेश जो पल्प आता है वो भी बना करके डाल सकते हो। ये देखो फ्रेश बड़ी बड़ी ब्लूबेरीज मैंने इसमें डाल दी है। नेक्स्ट लेयर को भी मैं सेम ऐसे ही बना दूंगी, क्रीम और फ्रूट्स लगा करके, और बस फिर हम इसका डेकोर करेंगे। बाहर का डेकोर बहुत ही एग्जॉटिक है, लेकिन उससे पहले क्रम कोट इज ऑलवेज नेसेसरी, जैसा कि मैंने आपको बोला है हर बार। क्रम कोट से जो भी आपके केक के क्रम्स होते हैं वो बाहर के जो लास्ट कोट होगा आपकी क्रीम का उस पर नहीं आएंगे। और यहाँ पे मैंने एक वेल बना करके थोड़ा सा, मतलब बीच में सेंटर में मैंने क्रीम को ऐसे किया है कि मेरे फ्रूट्स बाहर ना आ जाए, बाहर एक बॉर्डर के जैसा कर दिया है। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो डालने जा रही हूँ तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं एक छोटे से केक के साथ ताकि आप इसको देखें एंड फिर हम वापस से हमारे डिज़ाइनर वाले एरिया में स्टार्ट करेंगे वीडियोस डालना। ब्लूबेरीज को भी मैंने वॉश करके रखा है, इनको मैं कट नहीं करती हूँ क्योंकि छोटी छोटी तो होती है, अब इनको क्या कट करने का, इसलिए मैं पूरी ब्लूबेरीज ही डालती हूँ, खाने में भी मज़ा आनी चाहिए। बस अब ये मेरा लास्ट कोट हो गया, अब इस पर मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी। ऑलवेज क्रम कोटिंग करने के बाद इसको कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट फ्रिज में रखोगे तो लास्ट की जो आप जो फाइनल कोटिंग करोगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से होती है और क्लीन एजेस भी आ जाएंगी। आपके लिए मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, फ्रिज वाला टाइम मैंने यहाँ से वीडियो में से स्किप कर दिया और बाहर मैं अभी फाइनल कोट कर रही हूँ। अपनी स्ट्रॉबेरीज को हमेशा गर्म पानी में या फिर पानी में बेकिंग सोडा और नमक डाल के उसको वॉश करें क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत ही मिट्टी वाले एरिया से आती है तो उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज को टिश्यू से उनको पोंछ सकते हो कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसके ऊपर वो निकल जाए, ताकि आपके केक पे अगर आप वो वाटर वाली ही आप लगा दोगे ना स्ट्रॉबेरी तो वो स्लिप हो जाएगी, वो नहीं होने देने का है इसके लिए। या फिर लास्ट में मैं एक आपको और तरीका बताऊंगी जिससे आपके फ्रूट स्लिप ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो लास्ट तक जरूर वीडियो को देखना। टिश्यू से मैंने नीचे का जो बेस है उसको मैंने क्लीन कर दिया। अब इस पे मैं ट्रफल लगा रही हूँ, चॉकलेट गनाश जो आप बोलते हैं, क्योंकि मुझे एक ड्रिप बनानी है ब्राउन कलर की तो उसके लिए थोड़ा सा चॉकलेट गनाश यूज कर रही हूँ। ऊपर पूरे फ्रूट्स आ जाएंगे तो अगर वो थोड़ा सा अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है क्योंकि ऊपर फ्रूट्स आ जाएंगे तो वो ट्रफल दिखेगा नहीं ऊपर। एप्पल आप कभी भी ऊपर मत लगाइएगा अपने केक के ऊपर क्योंकि वो उसकी जो आयरन को जो एब्जॉर्ब करता है एंड फिर वो काला पड़ जाता है, इसके लिए एप्पल को हमेशा अवॉइड करते हैं हम ऊपर लगाने से। ऊपर मैंने मोस्टली यहाँ पे कीवी और स्ट्रॉबेरीज ही यूज किए हैं, थोड़ी सी ब्लूबेरीज भी लगाऊंगी मैं लास्ट में, और 2 पीसेस मैंने पाइनएप्पल के यहाँ पे रख दिए।
अभी ये देख रखे हो आपके सारे फ्रूट्स वाटर बेस्ड हैं, थोड़ा सा पानी उनमें रहता ही रहता है, तो वो स्लिप होने के चांसेस होते हैं हमेशा। तो आप जब अपना केक फ्रूट ऊपर लगा रहे हो ना आपके केक के ऊपर, तो आप उसमें साइड में टूथ पिक्स लगा सकते हो, या फिर जहाँ पे लास्ट में फ्रूट है उसके अंदर भी टूथ पिक लगा सकते हो ताकि वो गिर ना जाए केक पे से। अभी देखो यहाँ पे मैं जैसे टूथ पिक लगा रही हूँ, तो वो सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब के लिए, तो वो गिरेंगे नहीं स्लिप होकर के। और इसको फ्रिज में अच्छे से ठंडा करेंगे तो भी वो एकदम सेट हो जाएंगे, और ये हमारा केक रेडी हो चुका है। कमेंट करके बताइए कि ये केक आपको कैसा लगा।